ये सरकार की नालायकी है और नाकाबिलियत है। इतना ही नहीं, आप देखिए जम्मू में भी यही माहौल बना हुआ है। और मैं तो ये कह रहे हैं हम लोग कि अगर गवर्नर साहब से, अगर महबूबा मुफ्ती से मामला ठीक नहीं हो पा रहे तो कम से कम गवर्नर रूल कर लीजिए, ताकि लोगों के मसले तो हल हो जाए। ये जो लाखों की तादाद में यहाँ से जम्मू तक आंगनवाड़ी वर्कर्स की परेशानियाँ है, जिसके लिए महबूबा सरकार को आम जनता ने वोट दिया था, जो उम्मीदें इन लोगों के उनके साथ लगी हुई थी, ये एक गवर्नमेंट का फेल और फेलियर इन जस्टिस हम जिसे हम कहते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर में जहाँ पर डेवलपमेंट, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की सैलरी, ये मुसीबत और सैलाब तो हमने कभी नहीं देखा। पहले तो हज़ारों में मुलाजमीन बाहर आया करते थे, अब तो लाखों की तादाद में जम्मू और श्रीनगर से मुलाजमीन बाहर आने लगे। कम से कम गवर्नर साहब, मैं तो महबूबा मुफ्ती से तो आप क्या कह के थक गए, लेकिन गवर्नर साहब अगर आँख खोले, इनकी तरफ ये जो गरीब लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, जिनको महीनों से तनख्वाह नहीं, जिनका घर बंद पड़ा हुआ, जिनके चूल्हे बंद पड़े, आप लोग तो कम से कम जाग जाइए और इस सरकार को तो कुछ बोले आप। अगर यही माहौल चलता रहा, वो दिन दूर नहीं, आज जो रियासत जम्मू कश्मीर की हालात हमारी बनी हुई है, जो लोग मिलिटेंसी की तरफ ज्वाइन कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का माहौल है, तो इस रियासत जम्मू कश्मीर को हम किस तरफ देखें? ये तो एक ऐसा तबाही का मामला बन रहा है कि आने वाले वक्त में जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी मौदबाना अपील गवर्नर साहब से कि इस असेंबली को डिजॉल्व किया जाए, महबूबा सरकार को ही डिजॉल्व किया जाए, और इन लोगों की जो तकलीफें हैं, जो बनी हुई है, इनको दूर किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम भी इन लोगों के साथ भूख हड़ताल और धरने पर बैठ जाए। आपका यहाँ आने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए और हमें हमसे हमदर्दी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में मुझे रोना आता है कि इन लोगों ने हमारे साथ कितनी मुश्किलों का, हम किस किस मुश्किलों का सामना करते हैं। इस टाइम 2 महीने से बैठे हैं, अभी कोई नहीं पूछने आया कि ये लोग क्यों बैठे हैं, किस लिए सड़कों पे बैठे हैं। सर मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे इस तंजीम में, हमारे इस यूनियन में, हमारे इस आंगनवाड़ी वर्करों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में कैंसर पेशेंट है। परसों ही एक लड़की गिर पड़ी, रोते रोते बोलने लगी कि मैं क्या करूं 600 रुपये में, मैं क्या कहूं आपसे, क्या आपके आने से मेरी खुशियां बढ़ गई, मेरा हौसला बढ़ गया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।